देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रितेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं रितेश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। रितेश जी बताते हैं कि 21 नवंबर साल 2008 रविवार की दोपहर में मैं मजे से अपने घर में टीवी देख रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर अगले ने बताया कि मेरे दोस्त निशांत का हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से उसकी वहीं स्पॉट पर ही मौत हो गई है। इस खबर को सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं तुरंत बिना वक्त गवाए अपने दोस्त निशांत के घर पहुंचा, जो कि मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि सचमुच घर में काफ़ी मातम छाया हुआ है और सब लोग शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। शमशान पहुंचकर अंतिम संस्कार करने में काफ़ी वक्त लग गया क्योंकि अभी भी कुछ रिश्तेदार आने बाकी थे। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास अंतिम संस्कार हुआ जिसके बाद सभी लोग घर लौटने लगे। मैं भी निशांत के पिताजी को थोड़ा हिम्मत देकर घर लौटने लगा। अभी मैं कार में बैठा ही था कि तभी निशांत की माँ मेरे पास आई और कहा कि उनके यहाँ किसी के मरने के बाद एक विधि की जाती है जिस वजह से मुझे थोड़ी देर रुकना होगा। उस विधि को पूरा हो जाने के बाद जब मैं घर लौट रहा था तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। मैं कार ड्राइव करके घर की तरफ बढ़ने लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा दोस्त निशांत अब हमारे बीच नहीं रहा। अभी मैं हाईवे से अलग एक सुनसान रोड पर आगे बढ़ ही रहा था। उस सुनसान रोड पर सिवाय मेरे और मेरी कार के कोई परिंदा भी नहीं था कि तभी मैंने ड्राइविंग के पास वाली खिड़की बंद कर दी क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था और जिस वजह से ठंडी हवा कार के भीतर आ रही थी। मैंने अभी कार की खिड़की ऊपर की ही थी कि तभी मेरी नज़र सामने सड़क पर गई जहां कोई आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। जब मेरी कार उस आदमी के नज़दीक पहुंची तो मेरे होश उड़ गए और मेरी सांसें एकदम से तेज होने लगीं। दरअसल सामने सड़क पर मेरा दोस्त निशांत खड़ा था जिसके अंतिम संस्कार से मैं अभी घर लौट रहा था। रोड के किनारे से चलकर निशांत मेरे कार के सामने आया। उसके चलते वक्त मैंने नोटिस किया कि वो चलने के लिए अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो बस हवा में उड़ते हुए चल रहा था। कार के सामने आते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई और वो हवा में धुआं हो गया जिसके बाद पूरे रास्ते मेरे मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल पा रही थी और घर जाकर ही मैंने राहत की सांस ली। पर यह सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अलग अलग जगहों पर मुझे कई बार निशांत की आत्मा दिखती रही जिसके बाद घर वाले मुझे एक पंडित के पास ले गए जिसके बाद मुझे निशांत की आत्मा फिर कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों ये थी रितेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।